ग्लास डिज़ाइन में सभी को स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सबसे यूनिक दिखने वाला स्टील रेलिंग का इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इसका कॉस्ट क्या आता है, पूरे वीडियो में दिखाया गया है दोस्तों। आप वीडियो में पूरी बने रहिए और अगर आप भी अपने घर में शॉप पे कहीं पर भी इस तरह का रेलिंग इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो आपके लिए है इस वीडियो। तो इस वीडियो में हम पूरा जानकारी दिया है दोस्तों और दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो आप हम लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में हमने जो काम किया स्टील रेलिंग का, इसका स्क्वायर पाइप का यूज़ किया हम लोगों ने और स्क्वायर पाइप का जो 2 इंच पाइप आता है उसको हम सबसे पहले इंस्टॉलेशन करने के लिए हम रैंडमली इस तरह का लोहे का यूज़ किया जो टैगिंग के लिए। तो सबसे पहले इस लोहे को रॉड को नीचे हम गाड़ दिया, उसके बाद जो 45 डिग्री एंगल का हम लोग कटिंग कर रहे हैं, ये 16 गेज का पाइप है 2 इंच का, स्क्वायर पाइप 202 का। तो 202 में कम खर्चा आता है दोस्तों और घर में रेलिंग लगाने के लिए 202 आराम से चल जाएगा। 304 इससे बेटर होता है लेकिन आपका कॉस्ट के हिसाब से 202 बहुत ही सस्ता है। आप ये देख सकते हो दोस्तों हमारा काम की प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो हैंडल वाला पाइप है उसको भी हम 2 इंच का पाइप के साथ एडजस्ट कर देंगे तो दिखने में कुछ इस प्रकार का लगेगा दोस्तों। हम लोग चाहते तो उधर पे एक मेन पोस्ट का यूज़ कर सकते थे तो उसके लिए कुछ अलग सा कॉस्ट आता था। तो 202 का ये 2 इंच पाइप बेस्ट है, दिखने में भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इसके लिए हम लोग वो मेन पोस्ट का यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग ये जितना सारा पोस्ट है उसको हम 3 पोस्ट नीचे गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद आप ये देख सकते हो वेल्डिंग का काम चल रहा है, पूरा टेक्चर तैयार हो रहा है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इसका कॉस्ट क्या आता है। अगर 202 में आप इसको काम करना चाहते हो तो 400 के भी कम आएगा दोस्तों इसी प्रकार का रेलिंग का, और अगर 304 में जाओगे तो 600 से भी कम आएगा इस प्रकार का रेलिंग, आप देख सकते हो दोस्तों। और देखने में भी सबसे यूनिक लगेगा। तो इसको देखते हो बुलेट बोलता है, स्टील बुलेट। तो इसको जो स्टील का वायर होता है उसके साथ अंदर एक वॉशर दिया गया है, तो वॉशर के साथ इस वायर को एडजस्ट किया जाएगा दोस्तों। तो उसके पहले सबसे पहले हम जो मार्किंग करेंगे उसके साथ ये वायर को बुलेट की तरह चिपका देंगे। अब ये देख सकते हो सबसे पहले बुलेट को वेल्डिंग किया जा रहा है दोस्तों। वेल्डिंग करने के बाद जो स्टील का वायर रहता है, स्टील वायर का नाप ले लेंगे, उस प्रकार से हम ग्राइंडिंग से इस स्टील वायर को काट लेंगे। काटने के बाद हर एक बुलेट की वॉशर के अंदर इसको एलिंगी से पूरी तरह से टाइट कर लेने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा वेल्डिंग कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये ज़िंदगी भर कभी भी ना खोले। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा स्टील के ऊपर टैग लगा देंगे। टैग लगाने के बाद इसको ठंडा होने के बाद आप देख सकते हो इसी प्रकार से इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है और देखने में भी बहुत यूनिक लग रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी अपने घर में शॉप पर कहीं पर भी इस प्रकार का रेलिंग इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर ज़रूर आप संपर्क करें। तो दोस्तों देख सकते हो हर एक बुलेट के अंदर इसी प्रकार का वायर जाएगा स्टील का, तो उस हिसाब से हम पूरा काट लेंगे। वीडियो में आप बने रहिए, देखते रहिए फाइनली किस तरह से ये दिखने में लगता है दोस्तों, आप ये पूरा जानकारी ले सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको वीडियो में कुछ गलत लगा तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। Da 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 da